YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके साथ मेरी YouTube की फर्स्ट इनकम कब मिली, कैसे मिली, कितनी मिली सब शेयर करूंगी। बट YouTube इनकम मिलने में और YouTube की जर्नी को स्टार्ट करने में मुझे कितना टाइम लगा, क्या क्या सर्वाइव करना पड़ा, वो चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो को मैं नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि मेरी YouTube की फ़र्स्ट इनकम काफ़ी पहले आ चुकी है, बट लेकिन जब मेरी वीडियोस पर व्यूज़ कम आते हैं तो मुझे डीमोटिवेशन हो जाता है, मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। काफ़ी बार मन करता है कि नहीं बनाऊँ, क्या ही फ़ायदा है, व्यूज़ नहीं आ रहे। काफ़ी बार ऐसा हुआ जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था, लेकिन तब भी जैसे ही मैं मोटिवेट होती थी तो मैं दूसरे यूट्यूबर्स की जर्नी को देखा करती थी एंड उसके बाद फिर मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता था, क्योंकि किसी की लाइफ ऐसे नहीं, इतनी इजी कंफर्टेबल नहीं होती कि आपने आज वीडियो बनाई, सेकंड डे वायरल हो गई और थर्ड डे आपकी इनकम स्टार्ट हो गई। तो हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ सर्वाइव करने को रहता ही है और कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें आती हैं आपकी लाइफ में, और एक वुमन की लाइफ में तो शायद बहुत ही ज़्यादा आती हैं जब आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फिर आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता जहाँ पर किसी को सोशल मीडिया की नॉलेज हो। तो सेम ऐसा ही मेरे साथ भी था और मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। मैं वर्किंग थी, जॉब करती थी पहले, ड्यू टू कोविड मेरी जॉब चली गई एंड मैं शादी से पहले भी जॉब करती थी, आफ्टर मैरिज भी मैंने जॉब की है। मेरी शादी को 12 साल हो चुकी हैं, मैंने काफ़ी टाइम जॉब की है। तो मुझे इतना था कि मुझे खुद से कुछ अर्न करना है, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, चाहे वो पेरेंट्स थे शादी से पहले, चाहे शादी के बाद वो हस्बैंड है। ज़रूरतें बहुत है कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सारी ज़रूरतें खुद से अर्निंग से पूरी कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी ये होता है जितना हो सके मैं उनके साथ उन पर बोझ ना बनूँ। एटलीस्ट ये रहता है कि खुद से थोड़ा थोड़ा अर्न करते रहो तो ज़्यादा बेटर है कि आपको अपना खर्चा चलाते रहो। बोलते हैं ना कि अपना खर्चा चलता रहे, बस इतना हो जाए। तो ये मेरी हैबिट थी कि मुझे अपना कमाना है, कुछ करना है। तो जैसे कोविड आया जैसे ही कोविड आया तो जॉब चली गई, जॉब चली गई, ज्वाइंट फैमिली थी, कभी कभी टिकटॉक कर लेती थी। वो हस्बैंड बोलते थे कि क्या सारा दिन टिकटॉक में लगी रहती हो, कुछ यूट्यूब पर कर लो, जो तेरे अंदर टैलेंट है वो निकाल ले अपना, क्योंकि मेरे को मेरी मम्मी ने हर वो टैलेंट दिया है। क्योंकि उनका ये कहना था कि लाइफ में पता नहीं कौन सा टाइम ऐसा आ जाए कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, तो हाथ मत फैलाना, अपना टैलेंट देखना और उसको अपना हुनर बना के अपना सक्सीड होना, उसको अपना काम बनाना, उससे आप अर्न करना। तो उन्होंने मुझे हर वो टैलेंट दिया है, चाहे वो स्टिचिंग हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो पढ़ाना हो, चाहे वो कुछ भी। मैंने एम्ब्रॉयडरी सीखी हुई है, मैंने स्किन केयर किया हुआ है, मैंने ब्यूटिशनर किया हुआ है, पढ़ाई की हुई है, मतलब ऑल ओवर मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं। पेंटिंग की हुई है कि मैं किसी भी फील्ड में अगर करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन इंटरेस्ट किस में रहता है वो चीज़ अलग होती है। बट मेरा इंटरेस्ट तब तक किसी में नहीं था, मुझे एक था कि मुझे जॉब करनी है, जॉब करनी है, बस तैयार होकर जाना है, आना है। बट शादी से पहले ये सब कंफर्टेबल रहता है, लेकिन शादी के बाद आपको घर के काम के साथ जॉब करनी पड़ती है, यहाँ पर आता है टर्निंग पॉइंट। तो फिर भी चल ही रहा था, चलो घर सुबह सुबह उठ के फटाफट से काम करके जाते थे जॉब से आके, लेकिन जॉब चली गई तो अब क्या ही कर सकते हैं। अब जब कोविड है तो कोविड में घर पे बैठे हैं सब, अब जॉब भी नहीं है, घर पे बैठे हैं, सारा दिन खाना बनाना है, खिलाना है, फिर बातें सुननी है, कभी कभार ऐसे बना दिया, ऐसे कर दिया। तो ये चीज़ें देखो हर किसी की लाइफ में होती है। अब इससे हट के बार बार हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम टिकटॉक करती रहती हो, यूट्यूब कर लो यूट्यूब। अब मुझे ये था कि यूट्यूब में कैसे करूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता क्योंकि मेरे को एडिटिंग नहीं आते, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, मैंने MBA किया हुआ है तो मेरा तो कुछ भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, मैं कैसे करूँगी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे करूँगी। लेकिन जब बार बार पुश कर रहे थे कि कर लो कर लो, तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो मैंने ऐसे ही बैठे बिठाए एक दिन 14 अक्टूबर 2020 में मैंने एक वीडियो डाली, जब मैं अपना स्किन केयर कर रही थी, तो मैंने बिना एडिटिंग के वो वीडियो ऐसे ही पोस्ट कर दी। मुझे नहीं पता था कि एडिटिंग कैसे होती है, कौन से सॉफ्टवेयर से होती है, उस सॉफ्टवेयर का कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पे मुझे अपनी आवाज़ को दबाना है, कहाँ से ओवर मुझे वॉइस डालनी है, मुझे नहीं पता था। तो मैंने ऐसे ही डाल दी और आई थिंक मैंने उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स किए हैं, जहाँ पर आवाज़ नहीं है, मेरे कमरे के पंखे की आवाज़ इतनी आ रही है, जहाँ आज मैं देखती हूँ तो इतने कमेंट्स आते हैं कि मैम आवाज़ ज़्यादा आ रही है, लेकिन तब की और आज की वीडियो में मेरा इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी पॉलिशिंग हो जाती है खुद की क्लीनिंग में। एंड सेकेंड, अगर बात की जाए कि सर्वाइव क्या क्या करना पड़ा, देखो ज्वाइंट फैमिली थी, ज्वाइंट फैमिली में कोविड चल रहा है, घर पर सब हैं। अगर आप वीडियो बनाने का सोचते हो जहाँ बैकग्राउंड नहीं है आपका, आपके सोशल मीडिया के बारे में किसी को पता भी नहीं है, तो उन लोगों को लगता है कि तुम तो वेले काम कर रही हो, और लोग आके बोल जाते हैं ये तो फुकरे काम है, फुकरे काम कर रही है, क्या
ये क्या वीडियो है, तुम क्या है, डॉक्टर हो तुम, ये जो तुम ये क्या करती हो, बताती रहती हो, ये लगा लो वो लगा लो, इससे क्या हो जाएगा, ये वो, इस तरह से बहुत सारे कमेंट्स आते थे। और जब घूम फिर के फैमिली मेंबर तक वो वीडियो आ जाती है तो और ज़्यादा, पहले तो लोग बता के जाते थे कि ये तुम क्या कर रही हो, फिर जब फैमिली मेंबर्स तक आती है तो यार तुम क्या कर रही हो, इससे क्या हो जाएगा, क्या कमाई आती है, कौन देता है, कितनी देता है, कैसे होगा, ये है वो है, पागल बनाती हो सबको, टाइम पास करती हो, फ़ोन लेके बैठी हो, टाइम पास कर रहे हो, क्या फ़ोन का काम है तुम्हारा, मतलब इन दैट बहुत बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी, बहुत सारी, अभी भी मिल जाती हैं कभी कभी, तो अभी भी मिल जाती हैं रियलिटी बताऊँ तो। बट अब मैं परवाह नहीं करती, वो कहते हैं ना बेपरवाह हो गई हूँ, अब मैं बेपरवाह हो गई हूँ, क्योंकि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे पास इनकम आने लगी है। अब मुझे लगता है बोलते हैं तो बोलने दो यार, कौन सा मुझे कोई उठा के देके जाएगा, जब मेरे पास नहीं होता तो मुझे कोई उठा के नहीं देके जाता, तो जब मेरे पास है और मेरे पास आ रहा है तो मुझे उनकी क्यों सुननी है भैया, या तो मुझे देके जाते तब तो मैं सुनती ना कि हाँ ये मुझे मेरे हेल्प करते हैं, मुझे इनकी सुननी चाहिए, जब वो मेरी हेल्प नहीं करते तो मैं उनकी क्यों सुनूँ। तो ये है कि बहुत मुश्किल होती है, घर पर जगह नहीं है, दो रूम है, एक मम्मी पापा का रूम है, एक मेरा रूम है, बेटा घर पे है, हस्बैंड घर पे है, मम्मी पापा घर पे हैं, टीवी चलता है सारा दिन, तो मेरे को जगह नहीं मिलती थी, तो मैं बड़ी मुश्किल से कभी बेटे को डांट के, कभी प्यार से कि बेटा थोड़ी देर अपनी टीवी बंद कर ले, प्लीज़ मुझे वीडियो शूट करनी है। फिर जैसे ही मैंने फर्स्ट वीडियो डाली कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर सेकेंड वीडियो डाली आफ्टर 20 डेज कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, थर्ड वीडियो डाली मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, अक्टूबर में वीडियो डाली फिर मैंने 20 डेज़ के बाद डाली, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसे करके मैंने 5 या 6 ही वीडियो डाली 4 महीने में, तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जैसे ही 2021 स्टार्ट हुआ तो मेरी एक वीडियो जो मैंने सेकेंड नंबर पर डाली थी उस पर कुछ 50-60 सब्सक्राइबर बढ़ गए एक ही बारी में, और वो वीडियो इतनी अच्छी भी नहीं थी, मुझे इतनी अच्छी आज तक भी नहीं लगी, बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने उसमें की है, आज मैं अगर देखूँ तो व्यूज़ उस पर हैं लेकिन मिस्टेक्स मेरी इतनी ज़्यादा हैं, और उस मिस्टेक के कमेंट्स आज भी आते हैं कि मैम यहाँ पे आपने कैसे बोला है, यहाँ पे कैसे बोला है, तो मैं डिफाइन नहीं कर सकती, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम होता है ना आपका वीडियो शूट कर रहे हो तो आपकी खुद की वॉइस इतना ज़्यादा लैग करती है, आप इतना ज़्यादा वाइब्रेट करते हो खुद से कि आपकी जबान लड़खड़ा जाती है, क्योंकि आपके पास वो कैमरा फेस करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, हेजिटेट करते हो होते, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स आई थी। एंड सेकेंड जब क्या होता है ना कि जब आपकी कंटिन्यूसली आप बन जाते हो तब ये सारी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं, आप प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। एंड जब मेरी वीडियो पर 50 सब्सक्राइबर इकट्ठे बढ़ गए एंड व्यूज़ अच्छे आ गए, थोड़े 200-250 व्यूज़ भी आ गए थे, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को पसंद नहीं करता है, यहाँ पर मेरे 50 सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं बिना किसी को बताए, तो शायद कुछ तो करना चाहिए। फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को कंसिस्टेंसी करने की कोशिश की कि मैं कंटिन्यूस वाली वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिर भी नहीं बना पाती थी, वीक में 1 टाइम बना लेती थी क्योंकि नहीं मिलता था ज्वाइंट फैमिली में, टाइम नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मैं टाइम टाइम निकालती हूँ। फिर धीरे 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 ऐसे आफ्टर 3 मंथ्स यानी कि फिर मार्च 2021 के बाद जब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई तो उनको ऑनलाइन भी देखना है, सब कुछ करना है, मतलब घर पे काम भी करने हैं, मेड भी नहीं है, और उसमें से फिर मैं 1 घंटा अपने लिए निकालने लगी कि मेरे को अब तो निकालना है, बेटे को बोलती थी कि तू जाके ऑनलाइन क्लास लगा, अब मैं अपना दरवाज़ा बंद करी और मुझे वीडियो बनानी है। सुबह मैं 1 घंटा अपनी वीडियो बनाती थी एंड शाम को जब उसको पढ़ाने लगती थी तो मैं अपनी वीडियो को एडिट कर लेती थी। तो इस तरह से मेरी यूट्यूब की जर्नी रही है एंड मार्च 2022 में मेरे 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हुए। अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2022, ये बीच का जो टाइम है ना 2 ईयर्स नियर अबाउट हो जाता है, तो उसमें मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। बहुत बार ऐसा टाइम आया जब मुझे लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है यार, हो नहीं रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, हो नहीं रहा है, फिर कुछ यूट्यूबर्स की जर्नी को देख के मुझे मोटिवेशन मिला। कभी मेरे हस्बैंड मुझे नहीं तुम करती रहो, अपनी मेहनत दिखाओ, जोश टाक आता है ना, जोश टोक आता है ना, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जर्नी बताते हैं, वहाँ से कुछ मोटिवेशन मिला। मेरे हस्बैंड मुझे पुल करते थे कि करती रहो, कभी तो होगा, कभी तो होगा। फाइनली एक दिन ऐसा आया जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए एंड दैट वॉज मतलब इतना ज़्यादा अच्छा दिन था कि मुझे इतनी खुशी हुई कि हाँ, ऐसा नहीं है कि जो मेरी यूट्यूब की इनकम आई है मैंने वो पहली बार अर्न किया हो, उससे पहले मैंने उससे ज़्यादा अर्न किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक घर बैठे बैठे अपनी थोड़ी सी पहचान बनाना, आपको कोई पसंद कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस तरह से जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मोनेटाइज होने के बाद जब मैंने मम्मी को बताया कि अपने घर पे बताया कि हाँ मोनेटाइज हो गया, तो उनको नहीं पता था ये मोनेटाइज क्या होता है, अब तेरे पैसे आएंगे कब आएंगे। फिर तब तक 3 महीने तक मेरे $100 कंप्लीट नहीं हुए,
3 महीने के बाद मेरे $100 कंप्लीट हुए, एंड आफ्टर 1 मंथ जब मनी ट्रांसफर हुई तो फिर कहते इतने साल से काम कर रही है, इतने से पैसे आए हैं, ऐसे ही लगी रहती है। मतलब क्या ही समझाओ किसी को, नहीं समझा सकते। लेकिन मुझे जो खुशी थी ना, वो किसी को नहीं दिखी कि शायद मुझे जो खुशी हो रही है, चाहे वो थोड़ा सा अमाउंट है। मेरी जो यूट्यूब की फर्स्ट इनकम आई थी बिलो 9,000 आई थी, बट मेरे पास वर्ड नहीं है एक्सप्लेन करने की घर बैठे बैठे आ रहे हैं। उसके पीछे क्या है कि मैं अपने लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल रही हूँ, मेरी वो उस चीज़ की मतलब मुझे मेहनत मिली है। एंड साथ के साथ कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं घर बैठे बैठे कमा रही है, घर बैठे बैठे इसके पास सामान आ रहा है, क्योंकि ब्रांड्स का कोलेब्रेशन आने लग गया है, कुछ सामान आता है, कोरियर्स आते हैं, तो कहते हैं अरे इसके तो रोज कोरियर, कोई सोचता है कि इसके तो रोज कोरियर आते हैं, इतने पैसे, इतना पैसा खर्च करती है, अरे ये क्या करती रहती है, पता नहीं कहाँ से आता है इतना पैसा, इतना पैसा कमाने लग गया है। कभी लोग बोलते हैं कि तुम्हारे तो मजे हैं यार, तुम्हें तो कंपनी सामान भेजती है, तुम तो फ्री में सामान यूज़ करती हो। किसी को वो नहीं दिखता कि जो मैं पीछे बैठ के मेहनत करती हूँ, सुबह से उठती हूँ, सारे घर के काम करती हूँ, चुपचाप काम करती रहती हूँ, जो बीच में 1 घंटा सबके रेस्ट करने का होता है ना, जब सब सो जाते हैं घर पे, रेस्ट करते हैं, अपना टीवी देखते हैं, अपना आलतू फालतू का काम करते हैं, मैं तब यूट्यूब की वीडियो बनाती हूँ। जो लोग जॉब पे जाते हैं, देखिए काम करके जॉब पे जाते हैं, उनको पता है कि जॉब पे जाना है और आना है, लेकिन घर पे रहकर फैमिली के बीच में अपने लिए 1 घंटा निकालना, सबको बोलना कि प्लीज़ थोड़ी देर शांति बना के रखो, प्लीज़ मुझे वीडियो शूट करनी है, प्लीज़ शोर मत करना, बेटे को, पापा को, मम्मी को, इवन दैट पापा तक को, ससुर तक को बोल देती हूँ पापा प्लीज़ थोड़ी देर टीवी बंद कर लो, प्लीज़ टीवी थोड़ा कम कर लो, मुझे वीडियो शूट करनी है, तो वो चीज़ रहती है। लेकिन अब जब थोड़ा यूट्यूब की इनकम आने लगी है, तो अब उनको लगता है कि हाँ शायद कुछ हो जाएगा इसका, मेहनत कर रही है। लेकिन जब भी, फिर भी ये लगता है कि इतना सा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, मेरी फर्स्ट यूट्यूब की इनकम बिलो 9,000 आई थी। कितनी एग्जैक्ट कितनी आई थी मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती, ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ हो जाएगा। एंड लेकिन फाइनली कि आने लग गई है इनकम, लेकिन अभी भी इनकम कंटिन्यूसली मंथली नहीं आती है, आफ्टर 3 मंथ ऐसे ही आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे, वो चीज़ बहुत बड़ी एक अचीवमेंट लगती है कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, आप लोग मुझे प्यार करते हैं, आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, कमेंट करके मुझे क्वेरीज करते हैं, तो मेरा जितना रहता है ना, मैं अगर फ्री हूँ तो मैं उसी वक्त इंस्टेंट आपको आंसर करती हूँ। लेकिन जब भी कमेंट देखती हूँ मैं उसी वक्त इंस्टेंट जिस चीज़ की मुझे नॉलेज है मैं आपको उससे रिलेटेड आंसर ज़रूर देती हूँ। एंड इसी तरह अपना प्यार बनाए रखना, और अगर मैं अपनी इस यूट्यूब छोड़ जर्नी से जो भी है उससे अगर मैं एक भी बंदे को इंस्पायर कर पाई, तो आई होप कि मेरी ये वीडियो बनाने का जो मोटिव है सक्सेस हो जाएगा। हर किसी की लाइफ में आती हैं प्रॉब्लम्स, लोग बातें बनाते हैं इतनी ज़्यादा कि क्या कर रही हो तुम, फ़ोन लेके बैठी हो, फुकरे काम कर रही हो, ये कर रही हो, लेकिन जब आप सक्सीड होने लग जाते हो ना, आपको लगता है कि अर्निंग आ रही है, गिफ्ट्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, तो वो लोग खुद फुकरे बनने की ट्यूशन लेने आते हैं आपसे। तो प्लीज़ ये चीज़ है कि लोग बोलते हैं बोलने दो, आपको जो करना है करो, मेहनत करो। आपके हस्बैंड का अगर आपके साथ साथ है, अगर आप मैरिड हैं, आपकी फैमिली का आपके साथ सपोर्ट है, तो आप एक दिन तो सक्सीड हो जाओगे। कंटिन्यूसली आप बनाओ। पहले मैं भी ऐसे करती थी कि हाँ मुझे लग रहा था कि शायद नहीं होगा, छोड़ देती हूँ, स्टेप बैक ले लेती हूँ, नहीं होगा, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि नहीं तुम मेहनत करो 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 तो एक दिन होगा। लेकिन अभी जो चल रहा है भगवान की दया से, माता रानी की कृपा से कि चल रहा है, ठीक है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोग कुछ सपोर्ट करते हो, आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, एंड कमेंट करने से भी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग मुझे, मेरी वीडियो को सीरियसली देख रहे हो, आपको लग रहा है कि उसमें कुछ डाउट है तो वो पूछ रहे हो। और जब मुझे लगता है ना देर आर सो मैनी क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, तो मैं एक क्वेरीज के लिए भी आंसर फीडबैक बना देती हूँ कि मुझे लगता है कि शायद अगर आप, मैंने आपको कुछ नॉलेज दी है किसी प्रोडक्ट को लेकर, तो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिए प्लीज़। सो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी यूट्यूब जर्नी मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर की, इसलिए की क्योंकि आप मेरी एक फैमिली बन चुके हो, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हो, आप देखते हो, क्वेश्चन करते हो, तो मेरा ये भी आपके साथ शेयर करना जरूर बनता था। थैंक यू फॉर Being of my family, once again, thank you and thank you. So, I hope you like my video and subscribe to my channel. Bye-bye. Take care.